हैदराबादी टमाटर कचूमर की रेसिपी बनाते हैं। इस कचूमर को आप हर डिश के साथ एज अ साइड डिश रख सकते हैं। तो सबसे पहले टमाटर ले लेंगे, ये पके हुए थोड़े बड़े साइज के टमाटर हैं, तो ये 7 टमाटर मैंने ले लिए हैं। इन्हें बीच से इस तरह से काट कर रेडी रखते हैं। अब एक पैन में 2 बड़े चम्मच भरकर तेल डाल लेंगे। तेल को मीडियम फ्लेम पर गर्म करते हैं और फिर इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भरकर जीरा और आधा चम्मच डालेंगे सरसों के दाने। मोटा चॉप किया हुआ लहसुन है 2 बड़े चम्मच भरकर। ये सारी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पर करीब आधे मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे और फिर इसके बाद डाल लेते हैं इसमें 8 से 10 करी पत्ते। करी पत्तों को फिर से करीब आधे मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। अब जो टमाटर हमने रेडी करके रखे हुए हैं, ये टमाटरों को इस तरह से यहाँ पर पैन पर बिछा देंगे। सारे टमाटरों को इस तरह से बिछा देंगे। अब बिना पानी या कुछ और डाले इन टमाटरों में हमें इसे ढक देना है। हम इसे करीब 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे एकदम लो फ्लेम पर। टमाटर का अपना काफ़ी सारा पानी छूटेगा, इतने पानी में टमाटर पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अब ये 20 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटा लेंगे। टमाटरों के छिलके अच्छी तरह से लूज़ हो चुके हैं, तो इन्हें इस तरह से निकाल लेते हैं। सारे टमाटरों के छिलके इसी तरह से निकाल लेंगे। अब टमाटरों को हमें मैश कर लेना है। ये काफ़ी नरम और मुलायम हो चुके हैं, पके हुए टमाटर थे तो इसलिए मैं इसे स्पैचुला से इस तरह से मैश कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे पाव भाजी के मैशर से भी मैश कर सकते हैं। टमाटर सारे मैश हो जाए इसके बाद हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। अब ये मैश किए हुए टमाटर को इसी तरह से छोड़ देंगे करीब 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ का मैंने खीरा लिया हुआ है और 1 मीडियम साइज़ की है प्याज। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से बारीक चॉप कर लेंगे हम। ये दोनों चीज़ों को अब हम मैश किए हुए टमाटर में डाल देंगे। चॉप की हुई प्याज और चॉप किया हुआ खीरा डालने के बाद इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच भरकर बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च। साथ ही डाल देंगे 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स। 1 चम्मच भरकर डालेंगे भुना कुटा हुआ जीरा। 1/4 चम्मच इसमें डालेंगे काला नमक। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है ये रेसिपी में। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। काला नमक है, इसी हिसाब से हम नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल देते हैं। थोड़े से बारीक चॉप किए हुए पुदीने के पत्ते और थोड़े से बारीक चॉप किए हुए धनिया के पत्ते डाल लेते हैं। आधे नींबू का रस इसमें निचोड़ लेंगे। अब अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो फिर ये हैदराबादी स्टाइल का टमाटर का चटपटा मज़ेदार कचूमर बनकर रेडी है। इसे आप चाहें तो पुलाव, बिरयानी, तहारी, ज़ीरा राइस या खिचड़ी के साथ सर्व कर लीजिए। बहुत ही टेस्टी और बेहद मज़ेदार ये रेसिपी बनकर रेडी होती है।